ये मेरा वीडियो का इंट्रोडक्शन है जिसके अंदर मैंने कैसे जीमेल को ब्लॉक किया है और क्या क्या पॉलिसी और क्या क्या एप्लीकेशन क्रिएट किए हैं, कैसे ब्लॉक करते हैं, वो सारा डिटेल मैंने इस वीडियो में बताया है। और सो दोस्तों प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल वीडियो को लाइक करिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस यूट्यूब चैनल वीडियो को कर रहा हूँ। जो आप देख सकते हैं कि क्लियरली जीमेल ओपन हो रहा है, यहाँ पे आपको साइन इन का ऑप्शन दिख रहा है। अब मैं इसको कैसे फायरवॉल से ब्लॉक करूँगा, मैं ये चीज़ दोस्तों आपको करके दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले गाइज आपको वेब फिल्टर पे क्लिक करना है। वेब फिल्टर पे जब क्लिक करेंगे तो वहाँ पे डिफ़ॉल्ट पॉलिसी ऑटोमेटिक ओपन होती है। हमको थोड़ा सा स्क्रॉल अप करना है और ऐड पॉलिसी पे क्लिक करना है गाइज। ऐड पॉलिसी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमको नाम देना पड़ता है। तो मैं जैसे यहाँ पे जीमेल ब्लॉक दे रहा हूँ, ऐसे आप कुछ भी नाम देख सकते हैं। और यहाँ पे हमको ऐड बटन पे, ऐड रूल पे क्लिक करना पड़ेगा गाइज। जब ऐड रूल पे हम क्लिक करेंगे तो नीचे कुछ एक्टिविटी एक्शन सब ऑप्शंस खुल जाएंगे। अब यहाँ पे हमको ऐड न्यू आइटम पे क्लिक करना है, व्यू ऑल पे क्लिक करना है गाइज। व्यू ऑल पे क्लिक करने के बाद हमको सर्च करना है कि जीमेल किस कैटेगरी में, मतलब जीमेल वेब ईमेल कैटेगरी में आता है, तो उसको हमको ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद एक्शन में गाइज हम हमेशा ब्लॉक रखेंगे https, और यहाँ पे यूज एक्शन में https ब्लॉक रहेगा। और ये पॉलिसी हमारी ऑल टाइम के लिए हम बना रहे थे, यहाँ पे ऑल टाइम द पॉलिसी रहेगी। और इस पॉलिसी को हमको कर देना है ऑन। ऑन करने के बाद दोस्तों स्क्रॉल डाउन करना, हमको स्क्रॉल डाउन करके हम आएंगे तो नीचे सेव का ऑप्शन दिखेगा, उसके ऊपर कर देना है हमको क्लिक। और ये पॉलिसी हमारी क्रिएट हो रही है गाइस। सेम इसी प्रकार से आप भी पॉलिसी क्रिएट कर सकते हैं। अभी हम इसको स्किप सेटअप कर देते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं जीमेल ब्लॉक नाम से एक मैंने पॉलिसी क्रिएट कर दिया है। सेम इसी प्रकार से आपको भी करना है। मैं आपको यहाँ पे एक एक डिटेल्स बता रहा हूँ कि मैंने कैसे इनेबल और डिसेबल किया। अब हमको करना है एप्लीकेशन पॉलिसी क्रिएट करनी है। सबसे पहले हमको जो एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद ऐड ऐड पे क्लिक करेंगे। जैसे ऐड पे क्लिक करेंगे गाइस, यहाँ पे हमको नेम देना पड़ेगा। हम नेम कुछ भी दे सकते हैं, लाइक अभी हम यहाँ पे जीमेल ब्लॉक लिख रहे हैं, और आप यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आप कुछ भी दे सकते हैं गाइज। और यहाँ पे टेम्पलेट ऑल अलाउ रखना पड़ता है। और अब हम एक फाइल या फोल्डर क्रिएट कर रहे हैं हम इसमें। अब इस जीमेल बॉक्स के ऊपर हम क्लिक करेंगे और इसके अंदर अब हमको ऐड करने हैं कंटेंट्स। लाइक अब हम जीमेल ब्लॉक करने वाले हैं तो इसके अंदर अब हमको करना पड़ेगा जीमेल ऐड। अब यहाँ पे हम यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस गाए जाते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे सीधा इंडिविजुअल सिलेक्ट इंडिविजुअल एप्लीकेशन पे क्लिक करना है और यहाँ पे एक यहाँ पे सर्च कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे मैं जीमेल टाइप कर दूंगा तो जीमेल के जितने भी कंटेंट्स हैं सब आपको ओपन हो जाएंगे गाइस। अब यहाँ पे आपको जीमेल टाइप करना है और फाइंड या सर्च कर देना है। तो अब जीमेल रिलेटेड जितने भी हैं सब सारी चीज़ें आ गई हैं। अब इनको कुछ नहीं करना, हमको सीधे क्लिक कर लेना है गाइस। आप देख सकते हैं पूरा, और सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करना है और हमें थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। अब यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे हमको डिनाई सिलेक्ट करना पड़ेगा। और डिनाई सिलेक्ट करने के बाद कर देंगे हम इसको सेव। सेम इसी प्रकार से गाइज आपको भी करना है और इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करना है आपको। अब हम इसको जब सेव करेंगे थोड़े सा प्रोसेस लगता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जीमेल ब्लॉक के अंदर हमने जो कंटेंट जीमेल से सिलेक्ट किए थे सारे के सारे इसमें आ गए हैं और यहाँ पे आपको शो भी हो रहे हैं। और एक्शन में आप देख सकते हैं ऑल टाइम शेड्यूल और डिनाई। अब इसको हम कर देंगे क्लिक ऑन सेव। तो गाइस ये सेव हो गया है। अब हमको क्रिएट करना है फायरवॉल रूल। आप देख सकते हैं अब हम फायरवॉल पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे गाइस हम ऐड फायरवॉल रूल पे क्लिक करेंगे। ऐड फायरवॉल रूल पे जाने के बाद नेटवर्क यूजर्स रूल पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हम एक रूल क्रिएट करेंगे कि जीमेल को हम कैसे, जो पॉलिसी हमने बनाई उसको कैसे हम अप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ पे रूल नेम डालेंगे जीमेल ब्लॉक टेस्ट, हम टेस्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे एक्शन एक्सेप्ट रहेगा, रिजेक्ट हमको एक्सेप्ट रखना है। और यहाँ पे हम बॉटम में बॉटम लिखा है, यहाँ पे हम टॉप सेलेक्ट करेंगे और रूल में नन कर देंगे। हम रूल ग्रुप में नन, हमने ग्रुप कुछ नहीं बनाया। अब यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, सोर्स जोन हमारा लाइन रहेगा सोर्स नेटवर्क एंड डिवाइसेस एनी ड्यूरिंग शेड्यूलिंग टाइम ऑल टाइम। और हमारा डेस्टिनेशन हमारा वैन है तो हम यहाँ पे वैन रखेंगे। डेस्टिनेशन नेटवर्क हम एनी रखते हैं गाइस यहाँ पे, एंड सर्विसेज एनी। यहाँ पे हमको कहीं भी कुछ भी चेकबॉक्स नहीं करना है, सीधा नीचे आ जाना है गाइस। अब यहाँ पे हमको कर देना है जो हमने पॉलिसी बनाई थी जीमेल ब्लॉक वेब में, हमने वेब पॉलिसी हमने इसको ऐड कर दिया।
और एप्लीकेशन पॉलिसी में हमने बनाया था जीमेल ब्लॉक, उसको ऐड कर दिया और कहीं भी आपको कुछ नहीं करना है। और यहाँ पे लॉग फायरवॉल ट्रैफिक पे क्लिक करना गाइज आपको। जैसे मैं बता रहा हूँ आप एक एक स्टेप्स करेंगे तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप प्रॉपर तरीके से पॉलिसी क्रिएट कर सकते हैं। तो सीधा आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करके आना है, आप मैंने जो जो बताया है यहाँ पे वो पॉलिसी हमने ऐड कर दिया है और इसको कर देना है हमको सेव। सेव जैसे करेंगे फ्रेंड्स थोड़ा सा कुछ सेकंड्स का टाइम लेता है और पॉलिसी सेव होने लगती है। जैसे सेव हो जाएगी तो हम इसको टेस्ट करेंगे कि ये पॉलिसी चल रही है या नहीं, जीमेल हमारा ब्लॉक हो रहा है नहीं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जीमेल हमने टेस्ट ब्लॉक जीमेल ब्लॉक टेस्ट नाम से रूल बनाया है जो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पे हम जीमेल को इसी पेज को हम कर देते हैं रिफ्रेश, देखते हैं कि जीमेल खुल रहा है नहीं खुल रहा। सेम इसी प्रकार से गाइज आपको भी करना, अगर कहीं भी कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे मेरे चैनल पर कमेंट कर सकते हैं और मैं उसका जरूर रिप्लाई करूंगा। दोस्तों अभी मैंने इससे पहले इसको ओपन किया था तो उसका कैश डेटा आ गया है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा ब्लॉक होने में। मैं इसको क्लोज करके फिर से करूंगा तो तुरंत ब्लॉक हो जाएगा गाइस, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ओपन करके रखा तो उसका कैश डेटा यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है। तो मैं वापस आपको गूगल खोल लेता हूँ। अब इसके बाद यहाँ से जीमेल पे क्लिक कर लेता हूँ, आपको एक एक स्टेप्स पूरा दिखाऊंगा, कहीं भी कुछ भी नहीं छोड़ूंगा गाइस। तो आप देख सकते हैं अब काफ़ी टाइम लेने लगा है और यहाँ पे मैसेज आ गया कि दिस साइड इज ब्लॉक। इसी प्रकार से वापस मैं एक बार और क्लिक कर लेता हूँ, यहाँ पे जीमेल login.gmail.com इसको हम रिफ्रेश कर देते हैं गाइस। सेम इसी प्रकार से आपको भी करना है और कहीं भी कुछ चेंजेस होगा या कहीं भी कुछ प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मुझे ईमेल कर सकते हैं, मैं आपको तुरंत सपोर्ट करूँगा गाइस। तो इस तरह से आप ब्लॉक कर सकते हैं मैं जो चीज़ जो दिखा रहा हूँ दोस्तों, और इसमें कोई भी कुछ प्रॉब्लम होती तो आप मैंने ऑलरेडी आप सारा डिटेल्स तो बता ही चुका हूँ। तो मैं जस्ट इस पॉलिसी को कर देता हूँ रिफ्रेश, आपको मैं ये दिखा चाहता हूँ कि कितना डेटा इन आउट हो रहा है, तो आपको बहुत आइडिया लग जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रैफिक इन आउट हो रहा है, तो मतलब इसी रूल से मैंने जो भी चेंजेस किया है इसी रूल से किया हुआ है जो आपको क्लियर दिख रहा है गाइज। तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।